रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस हर्ष, यस योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चे। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नेक्स्ट थिंग है हमारी टाइप्स ऑफ रेशियोज। हमारी रेशियोज कितनी टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट होती है डुप्लीकेट रेशियो। अगर आपको किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, फर्स्ट थिंग आती है आपकी डुप्लीकेट रेशियो। सपोज अगर आपको 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो आपको उस रेशियो का स्क्वायर करना है और जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो उसका डुप्लीकेट रेशियो होगा। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? 4:9। तो आपको दोनों का स्क्वायर करना है नंबर्स का। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट बच्चे? नेक्स्ट थिंग है आपकी ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? अगर आपको इसका ही ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आपको क्यूब करना है। ओके, तो 2 का क्यूब क्या? 2:3। आपको इसको पूरे रेशियो का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 8:27। यस राशि, पेपर में ये आता है मैम, फाइंड दिस नंबर ऑफ मैम डुप्लीकेट रेशियो मैम। बच्चे फॉर एनी गेस आप एक बार काउंट करके चल सकते हैं, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि आप इन रेशियोज को बोलते क्या है। यस नक्षत्र मैम, आप डुप्लीकेट रेशियो में मेरे को बस समझा दोगे? बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको रेशियो दिया गया उसका स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करना है दोनों का और उसका रेशियो बताना है। ओके मैम। यस हर्षिता मैम, ट्रिप्लीकेट में वैसे मैम 2 का है, 2 का क्यूब करना है ना बच्चे? क्यूब जैसे आप स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर में आप क्या करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना उस नंबर को। क्यूब में आप क्या करते हैं? उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वो उस नंबर का क्यूब होता है। ओके मैम, तो आप 2 को 2 into 2 into 2, 2 2 4 2 8, 3 into 3 into 3, 3 3 9 3 27। एवरीबॉडी? यस मैम। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। अब आती है सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो इस रेशियो में आपको क्या करना है? सब डुप्लीकेट में अगर आप a:b का आपको रेशियो निकालना है, तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? उन दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, डुप्लीकेट में हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे। सब डुप्लीकेट में हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। और ऐसे जब आपको अगर इसका स्क्वायर ट्रिप्लीकेट निकालना है, सब ट्रिप्लीकेट, तो आप क्या करेंगे? उसका क्यूब रूट लेंगे a:b। तो क्यूब रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका मतलब क्या है? a/b की पावर आपको 1/3 करनी है। पहले हम 3 करते थे, अब हम उल्टा करेंगे, 1/3 करेंगे।
सपोज आपको क्वेश्चन अगर दिया गया है सब डुप्लीकेट रेशियो के लिए 64 एंड 125 का आपको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना, तो हमें बताइए 64 हमें कब मिलता है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, और 125 हमें कब मिलता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इनका क्यूब रूट क्या होगा, 4:5। बिल्कुल हमें उल्टा करना है जो हम ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट में करते थे। यस निकुंज मैम, इन दिस व्हेन यू आर डूइंग द 64 अपॉन 125 आई एम डाउट मैम, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 और मैम दैट यू से इन द ए is equal to cube root a upon b is equal to bracket a upon b bracket clause 1 upon 3. So mom, we have to multiply 64 in upon 1 into 25 into 1 upon 3. नहीं बच्चे, हमें ये चेक करना है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, इसको भी आप क्या बोलते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर देखना है कि किसको तीन बार मल्टीप्लाई, जैसे आप स्क्वायर में चेक करते हैं कि किस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे हमें वो नंबर मिलेगा, वो उसका स्क्वायर रूट होता है, ऐसे क्यूब में आपको चेक करना है कि आप किस नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको ये नंबर मिले, तो वो नंबर उसका जिसको आप तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका क्यूब रूट होता है। मैम अगर मैम हमें अगर ये तो मैम छोटी वैल्यूज दे रखी है, अगर मैम हमें बड़ी वैल्यूज दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चे जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप उसमें दो दो नंबर्स की पेयरिंग करते हैं। मैम यहाँ हम इसके एक मेथड और है कि मैम ये मेथड है नहीं है कि मैम हम उस नंबर का मैम स्क्वायर निकाल के मैम फिर से उसी नंबर का स्क्वायर निकाल दे। नहीं बच्चे, तो आपकी तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी पावर, दिस मेथड इज रॉन्ग। ये हर्षिता मैम, इन दोनों में मैम अपोजिट करना है ना मैम? बिल्कुल, डुप्लीकेट में उसका स्क्वायर रूट लेना है, सॉरी डुप्लीकेट में आपको स्क्वायर करना है तो सब डुप्लीकेट में आप स्क्वायर रूट लेंगे, और ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है तो सब ट्रिप्लीकेट में आप क्यूब रूट लेंगे। ओके मैम। यस नक्षत्र मैम, ए अपॉन बी की बजाय मैम और कोई लेटर भी ले सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होगा आपका, देखिए अगर आपको ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो निकालना है तो किसी भी नंबर का आप इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/a और 1/b हो जाते हैं वो नंबर्स, राइट? तो अब आप इसको कैसे करेंगे, आप इन दोनों को, इसको b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए और इसको a से कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, b बाय ए बी और a बाय ए बी। ये मैं मेथड बता रही हूँ, शॉर्टकट अभी बताऊंगी कि कैसे निकालना है आपको इनवर्स रेशियो। तो अब जब ये होगा सेम, तो ए बी से ए बी कैंसिल होकर रेशियो क्या मिल जाएगा, बी इज टू ए। तो इनवर्स रेशियो में अगर आपको 2:5 का इनवर्स रेशियो निकालना है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, आपको नंबर्स इंटरचेंज कर देने हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 में है, जब आपके 2 रेशियो हो जाए, अगर आपको थर्ड रेशियो मिल जाएगी या कुछ तब नहीं होगा। ओके, इनवर्स रेशियो आपको नंबर्स इंटरचेंज करने हैं, अगर 3 नंबर्स आ जाएगी तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना होगा। यस दक्ष मैम, जैसे b का नंबर अगर 3 हुआ तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है क्या? यस बच्चे, देखिए अगर यहाँ पे आप रेशियो, मैंने 2:5 लिया था उसी का मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, 2:5 अगर रेशियो है तो नंबर्स क्या बन जाएंगे इनवर्स करने पे, 1/2 और 1/5, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से करेंगे तो 5/10 एंड 2/10 मिल जाएगा आपको, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5:2। इनवर्स हो गया रेशियो। यस अक्षत,
मैम अगर मैम ए रेशो बी मैम इसमें और ए रेशो बी और बी रेशो सी आ जाए तो मैम मैं अभी बताऊंगी बच्चे दो वाला उनको ए टू बी टू सी निकालना वही कह रहे हैं आप मैं बताऊंगी अभी टाइप्स कर लीजिए पहले आप यस आदर्श यस नेक्स्ट थिंग आपकी आती है लास्ट टाइप है रेशो का कंपाउंड रेशो ओके कंपाउंड रेशो आपको निकालते हुए क्या करना है जैसे अगर आपको कोई रेशो दिया गया ए इज टू बी और दूसरा रेशो आपको दिया गया सी इज टू डी ये दो रेशोज है तो आपको कंपाउंड रेशो इसका कैसे निकालेंगे कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर आप ए इज टू बी और सी इज टू डी लिख रहे हैं तो रेशो क्या हो जाएगा ए सी इज टू बी डी This will be your AC by BD या फिर AC is to BD तो आपका ये क्या हो जाएगा कंपाउंड रेशियो जो भी जितनी भी आपको रेशियोज दी गई है उनके फर्स्ट नंबर्स को एंटीसीडेंट्स और सेकेंड नंबर्स कंसिक्वेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है उनका रेशियो जब भी आप निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा कंपाउंड रेशियो होगा क्लियर एवरीबडी यस राशि मैम इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देना देखिए बच्चे आपका अगर रेशो है 2:3 एंड 7:9 तो आपको क्या करना है इनका कंपाउंड रेशियो अगर निकालना है तो आपको क्या करना है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 14:27 आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा अब क्लियर है सबको मैम यस मैम यस मैम यस अक्षिप मैम कंपाउंड रेशोज में मैम 3 रेशोज भी हो सकती हैं बिल्कुल आप वही फिर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ओके मैम ओके नेक्स्ट थिंग आपकी आती है कि अगर आपको दो रेशोज दे दी गई हैं ए इज टू बी और बी इज टू सी अगर आपको ए इज टू बी और बी इज टू सी तीन दो रेशोज दे दी गई हैं तो आप उनसे कैसे निकालेंगे कि अगर आप ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा अगर ए इज टू बी आपको 7:5 दिया गया है बी इज टू सी आपको 9:11 दिया गया है लेकिन आपको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी तीनों का रेशियो क्या होगा नंबर्स का तो आप कैसे निकालेंगे इसका एक मेथड है आपको क्या करना है इनवर्स एन उल्टा एन बनाना है ऐसे और इन एरोज की डायरेक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ तो ये तीनों नंबर्स का रेशो आ जाएगा और तीन नंबर्स कैसे आएंगे फर्स्ट नंबर विल बी 7:9 रेशो सेकंड नंबर विल बी 9:5 अगेन रेशो थर्ड नंबर विल बी 5:11 9 7 63 9 5 45 5 11 55 तो क्या इनमें कुछ कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है सब में तो दिस विल बी द आंसर A is to B is to C तीनों रेशो तीनों नंबर्स का रेशो क्या होगा 63:45:55 यस कीर्तन सिंह मैम इन दिस अगर इसके अंदर A is to B is to C is to अगर D दिया हुआ है तो बच्चे उसका अलग मेथड है ये A is to B is to C के लिए है सिर्फ मेथड Yes, Ananya. Yes, ma'am. यहाँ पर मैम 45 एंड 55 में 5 कॉमन है बच्चे तीनों में कॉमन चेक करना कभी भी आपको रेशियो कट okay. करनी है तो सब में कॉमन होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ दो में कॉमन है ओके मैम ओके ऐसे तो 63 और 45 में भी कॉमन है 9 हमने उसको सेम बनाने के लिए ही तो किया है कि हम तीनों yes, ma'am. हमें तीनों में चेक करना है हमेशा क्लियर है सबको ये मेथड ओके नेक्स्ट थिंग आपकी इसके बाद आती है प्रोपोर्शन रेशो में इतना था आपका नेक्स्ट थिंग आपकी आती है प्रोपोर्शन दो रेशोज की अगर इक्वल होती है जैसे अगर आपकी ए इज टू बी
और सी इज टू डी, दो रेशियोज है, रेशियोज आर ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, दो रेशियोज है, अगर ये दोनों इक्वल होंगी तब हम क्या बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन में है दोनों रेशियोज। अब अगर दो चीजें ऐसी इक्वल होती है फ्रैक्शंस, तो हम क्या करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। क्लियर है सबको? ये क्या हुआ, ये तो हमने देखा कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थी प्रोपोर्शन की, राइट, फर्स्ट एंड लास्ट थी ये, तो इनको हम जो लास्ट वाली दोनों होती है इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, और जो दोनों मिड में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स। तो यहां से हमारी एक प्रॉपर्टी आती है प्रोपोर्शन की, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस दक्ष मैम, मुझे कंपाउंड मेथड समझ नहीं है। बच्चे कंपाउंड मेथड में आपको जो रेशियोज के न्यूमरेटर्स है उनको मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर्स मिलेंगे उनका रेशियो निकाल देना है फिर से। यस राशि मैम, प्रोडक्ट मतलब मैम मल्टीप्लाई होता है ना? बिल्कुल। यस हर्षिता मैम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है ना मैम सिर्फ? बिल्कुल, अभी मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। देखिए okay. अगर आपको निकालना है प्रोपोर्शन चेक करना है 7:9 एंड 2:5, आपको ये दो रेशियोज दे दिया और चेक करना है, चेक इफ दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, आपको चेक करना है कि क्या ये रेशियोज प्रोपोर्शन में हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कीजिए, क्या ये दोनों इक्वल है, ये 35 है ये 18 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन।